मेरा जो कैरेक्टर है लाडली वो बहुत लाइवली जैसे एक विलेज बेली या विलेज की लड़की होती है उस किस्म का किरदार है मेरा. और मैं शरद सक्सेना जी की डॉटर प्ले कर रही हूँ जो गांव के ठाकुर है. और ये गांव जिस तरह से आप देख रहे हो कुश्ती इज़ ऑल अबाउट रेसलिंग, तो ये पूरा गांव जो दीवाना गांव है इज क्रेजी अबाउट कुश्ती. और उसी तरह से लाडली भी किसी एक पहलवान को दिल दे बैठती है. वो पहलवान बॉलीवुड का है और वो कौन है वो मैं आपको नहीं बताऊंगी. मैं लाडो का हाथ उस चंदर के हाथ में दूंगा अगर वो कुश्ती जीतेगा तो. खाली जैसे लगते है इज लाइक अ ह्यूज गाइगेंटिक पर्सन, अ पर्सनालिटी, अ ग्लोबल फिगर. जैसे हर कोई उनके साथ, एवरीबॉडी वांट्स अ पीस ऑफ खाली. तो मेरे लिए आई थिंक इट्स अ ऑनर, अ प्रिविलेज टू बी द फर्स्ट इंडियन गर्ल टू बी कास्ट ऑपोजिट हिम. जैसे उन्होंने हॉलीवुड में काफ़ी फिल्में की है, ये उनकी बॉलीवुड की फर्स्ट वेंचर होगी. लेकिन ऑन पर्सनल बेसिस आई थिंक ही इज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड. जितना बड़ा वो अपना शरीर है उतना ही उनका हम्बल और सॉफ्ट हार्ट है. से कुश्ती लड़ेगा. मुझे सचमुच में नहीं पता था ग्रेट खाली कौन है. ये फिल्म जब मुझे ऑफर हुई और मैं घर पर जब जाकर मैंने बताया कि भाई मुझे कोई रेसलर के साथ मूवी ऑफर हुई है, और बहुत सी लड़कियां जिनको ये बॉलीवुड में मूवी ऑफर हुई थी फॉर सम रीज़न वो एप्रीहेंसिव थी और मैं भी एप्रीहेंसिव थी कि मैं करूँ ना करूँ. मेरे कजिन्स उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली कहा कि ये फिल्म आप कर रही हो एंड यू डूइंग इट फॉर खाली. And I signed this movie for Khali. Yes. देखिए राम जी को भी स्वयंवर में सीता जी को जीतना पड़ा, अर्जुन को भी स्वयंवर में धनुष अपनी इस्तेमाल करनी पड़ी. उसी तरह से राजपाल फिर कौन है, राम और अर्जुन की बात हो रही है. तो राजपाल तो एक पोस्ट मास्टर है. और टू विन ऑन द ब्यूटी आई थिंक यू हैव टू गो अ लॉन्ग वे. तो उन्होंने सिर्फ कुश्ती लड़ी है, वो इज अ बिग डील. और उन्होंने कुश्ती लड़ी भी किससे है ये देखिए आप.